हे फ्रेंड्स, क्या आपने देखी है फ्यूचर मूवीज? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 फ्यूचर मूवीज के बारे में, जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं और आपको जरूर देखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, नंबर 10 पर मूवी आती है, वो है द फिफ्थ एलिमेंट। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। मूवी का जेनर है थ्रिलर एंड फैंटेसी। इस 2 घंटे की मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7.7 की और गूगल यूजर्स ने लाइक्स दिए इसे 91% के। मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे ब्रूस विल्स, मिला जेविच। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 23rd सेंचुरी से, जहां ह्यूमंस फेस कर रहे हैं इवल को और इंसानों की बस एक ही उम्मीद है और वो है फिफ्थ एलिमेंट, जो कि आता है अर्थ पर हर 5000 साल बाद। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखिएगा कि क्या वे एविल से जीत पाते हैं या नहीं। नंबर 9 पर मूवी आती है, वो है पैसेंजर्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। मूवी का जेनर है ड्रामा एंड थ्रिलर। इस 2 घंटे की मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7 की और वोट्स दिए हैं रॉटन टमाटोज ने इसे 31% के। मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे क्रिस प्रेट, जेनिफर लॉरेंस, माइकल सीन और लॉरेंस फिशबर्न। इस फिल्म में यह बताया गया है कि एक अंतरिक्ष यान यानी कि स्टारशिप अर्थ से होमसेट 2 की तरफ सफर करता है। उस स्टारशिप का नाम एवेलोन होता है। उस अंतरिक्ष यान में 5000 पैसेंजर्स होते हैं, जो कि एक स्लीप चैम्बर में सोकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन एवेलोन से टकरा जाता है एक बहुत ही बड़ा कॉमेट, जिसकी वजह से आई तकनीकी खराबी के कारण उन पैसेंजरों में से 2 पैसेंजर्स अपने सफर से पहले ही उठ जाते हैं। और उन दोनों पैसेंजर्स को आगे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये आप मूवी में देखिएगा। नंबर 8 पर मूवी आती है, वो है टोटल रिकॉल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। मूवी का जेनर है थ्रिलर एंड एक्शन। इस 2 घंटे की मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 6.3 की और वोट्स दिए हैं रॉटन टमाटोज ने इसे 31% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे कैटी बेकिंसेल और कॉलिन फेरल। फिल्म में यह बताया है कि 21वीं सदी के अंत में पूरे विश्व में रासायनिक युद्ध ने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है। अब जो रहने लायक जगह है वो 2 ही हैं। पहली द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन और दूसरी द कॉलोनी। ये दोनों ही अब पृथ्वी की बहुमूल्य जगह हैं। और आगे क्या होता है इस मूवी में, वो जानने के लिए इस मूवी को देखें। 7 नंबर 7 पर मूवी आती है, वो है लूपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। मूवी का जेनर ड्रामा एंड थ्रिलर। इस 2 घंटे की मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7.4 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 93% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे जोसेफ गॉर्डन लेविट, एमिली ब्लंट और ब्रूस विल्स। फिल्म की कहानी शुरू होती है कैंसर शहर सन 2044 से। फिल्म में जो नाम का एक लड़का होता है, जो काम करता है सिटी क्राइम सिंडिकेट के लिए एज ए लूपर। फिल्म में सिंडिकेट यूज करता है टाइम ट्रेवल का अपने एम्प्लॉयज को पास्ट में भेजकर मारने के लिए। लेकिन फिर जो को पता चलता है कि वो एक दिन खुद आएगा भविष्य से खुद को मारने के लिए। तो आपको मूवी में देखने को मिलेंगे 2 जो, एक तो यंग और दूसरा ओल्ड। इस फिल्म में आपको फ्यूचर के साथ टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। 6 नंबर 6 पर मूवी आती है, वो है इक्विलिब्रियम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में। फिल्म का जेनर थ्रिलर एंड एक्शन। फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7.4 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 40% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे क्रिस्टियन बेल और एमिली वॉटसन। फिल्म की कहानी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां पर तीसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। वहां पर रह रहे हैं लेब्रियन सोसाइटी के लोग और उनका लीडर है द फादर। तो ये ऐसी जगह है जहां पर बुक्स, फीलिंग्स, इमोशंस, म्यूजिक अलाउ नहीं है। और उनकी इमोशंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें देती है प्रोजियम नाम का एक ड्रग्स। तो फिल्म में होता है जॉन प्रिस्टोन, जो कि एक सुपर सोल्जर है, उसकी लाइफ चेंज होने लगती है जब वो लेना बंद कर देता है एक प्रोजियम ड्रग्स को। तो आगे की स्टोरी आप फिल्म में जानेगा। 5 नंबर 5 पर मूवी आती है, वो है ओब्लिवियन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म का जेनर है एक्शन एंड मिस्ट्री। इस 2 घंटे की मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7 की और रॉटन टमाटोज ने इसे वोट्स दिए हैं 53% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे एंड्रिया राइसबर्ग, टॉम क्रूज और मॉर्गन फ्रीमैन। फिल्म में यह बताया गया है कि एलियंस ने अर्थ के चांद को तबाह कर दिया है। चांद के तबाह होने पर अर्थ पर भूकंप, सुनामी, आपदाएं आने लगी हैं और इंसान के युद्ध लड़ने के चक्कर में धरती रहने लायक नहीं रही है, ये इस फिल्म में दिखाए गए हैं। मूवी काफी अच्छी है, आप इस फिल्म को जरूर देखें। 4 नंबर 4 पर मूवी आती है, वो है आई रोबोट।
ये फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में। फिल्म का जेनर ड्रामा एंड साइंस फिक्शन। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में 7.1 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 56% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे विल स्मिथ। फिल्म की कहानी शुरू होती है शिकागो सिटी से सन 2035 से। फिल्म में होता है डेल स्पूनर यानी विल स्मिथ जो कि एक डिटेक्टिव होता है। तो फिल्म में हो जाता है एक मर्डर डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग का। तो उसके इल्जाम में फंस जाता है एक रोबोट जिसे बनाया था मरने वाले ने यानी डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग ने। तो वह फिल्म में देखेगा कि क्या डिटेक्टिव डेल डॉक्टर लेनिंग के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है या नहीं। नंबर 3 पर मूवी आती है वो है प्रीमेथियस। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2012 में। फिल्म का जेनर ड्रामा एंड मिस्ट्री। फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 73% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे नाओमी रेपेज, माइकल फेसबेंडर, चार्लिस थेरोन, लोगन मार्सन ग्रीन, गाय पियर्स और एड्रियस एल्बा। इस फिल्म में पृथ्वी पर यानी अर्थ पर मानव जीवन की उत्पत्ति या शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताए गए हैं। लेकिन जब मूवी में कुछ साइंटिस्ट को मानव जीवन की शुरुआत के सुराग मिले तो वो उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। फिल्म काफी अच्छी है इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 2 पर मूवी आती है वो है माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2002 में। फिल्म का जेनर ड्रामा एंड मिस्ट्री। फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 7.6 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 91% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे टॉम क्रूज, समंता वॉर्टन और कॉलिन फेरल। फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 2054 से। इस फिल्म में ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि अगर फ्यूचर में कोई भी क्राइम होता है तो वो टेक्नोलॉजी उसे पहले ही बता देती है कि क्राइम किसने किया है। लेकिन मूवी में टॉम क्रूज यानी जॉन एंडरटन जो कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं प्री क्राइम डिपार्टमेंट में, तो वो इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंस जाते हैं एक मर्डर के इल्जाम में। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि क्या जॉन एंडरटन अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पर मूवी आती है वो एलीज। में ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। फिल्म का जेनर ड्रामा एंड साइंस फिक्शन। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 6.6 की और वोट्स दिए रॉटन टमाटोज ने इसे 66% के। फिल्म की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे मैट डेमन, साल्टो कॉपले, जूडी फॉस्टर और अलाइस ब्रागा। फिल्म में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो अमीर है वो रहते हैं एक स्पेस स्टेशन में जिसका नाम होता है एलीज और दूसरे लोग रहते हैं अर्थ पर जहाँ पर अर्थ की कंडीशन खराब है। फिल्म की कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस से सन 2154 से जहाँ रहता है मैक्स। मैक्स के फैक्ट्री में काम करने के दौरान वो इन्फेक्टेड हो जाता है रेडिएशन से जिसका इलाज सिर्फ एलिज्म पर हो सकता है। लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो खरीद सके एलिज्म जाने का टिकट। तो आप फिल्म में देखिएगा कि कैसे जाता है मैक्स एलिज्म पर। दोस्तों फिल्म में ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि लोगों को हुए कैंसर या एक्सीडेंट में लगी किसी भी प्रकार की चोट को कुछ ही मिनटों में ठीक किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताई टॉप 10 फ्यूचर मूवीज की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।